सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कमल का फूल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अच्छी तरह से पेंटिंग करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 डॉट बनाया है, उसी के माध्यम से मैंने बीच का पार्ट बनाया है कमल का। तो आप भी कुछ ऐसे ही डॉट बनाकर बनाइएगा, जो काफ़ी अच्छा ट्रिक है और अच्छी तरह से बनाना भी सीख जाएंगे। इसके बाद हमने नीचे का पार्ट बनाया है, तो चलिए नीचे के पार्ट को भी बना लेते हैं ऐसे ही। देन गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। इसके बाद बाहर के पार्ट को बनाना है, तो यहाँ पर मैंने 3 डॉट लिया है बनाने के लिए। तो आपको भी कुछ ऐसे ही मिला लेनी है। देन मैंने यहाँ पे इसका आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हल्के प्रेशर का यूज़ किया है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही वाइटली बनाना है। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूँ कैसे इसको बनाते हैं और इसको कैसे पेंट करते हैं। इसके बाद गाइस, हमें सेकेंड पार्ट को बनाना है, तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरह से मेजर कर लिया है। तो आपको भी कुछ ऐसे मेजर कर लेनी है, बराबर है या नहीं है, इसके बाद ही आपको ड्रॉ करनी है, वरना छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छी तरह से मेजर कर लिया है, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हल्के प्रेशर का यूज किया है ताकि इरेज करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सेकेंड पार्ट को मैंने इसी बनाया है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है, नॉर्मली प्रेशर का यूज़ करना है, ज़्यादा डार्क नहीं बनानी है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो गाइस, आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, चाहे आप ब्रश का नंबर पूछ सकते हैं या पेंसिल वगैरह यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले। यहाँ पर मैंने एक पत्तियाँ बनाना स्टार्ट किया है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही पत्तियाँ बना लेनी है ताकि अट्रैक्टिव दिखे। इसके बाद गाइस, हमें इधर से भी कुछ टहनियाँ निकाल लेनी चाहिए और कुछ कलियाँ बना लेनी चाहिए इसी में। तो चलिए इसमें एक कली बना देते हैं अच्छी तरह से। तो आपको भी कुछ ऐसे ही बनाना है, आप चाहें तो दोनों साइड से पत्तियाँ बना सकते हैं। इसके बाद गाइस, आप चाहें तो ऊपर के साइड से कुछ कलियाँ निकाल सकते हैं, जो आपकी आलेखन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। पेंटिंग के लिए गाइस, हमने यहाँ पे कैमलिन पेंट का यूज़ किया है, जो वाइट, ग्रीन, रेड एंड येलो पेंट का यूज़ किया है। तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरह से और पेंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट पेंट का मिक्स लिया है और कॉर्नर पे इसके रेड पेंट का यूज़ किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देन मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है। तो गाइस, मैं बता दूँ, ब्रश जो मैं फ़िलहाल यूज कर रहा हूँ वो 6 नंबर का ब्रश है, 6 नंबर का ब्रश है। तो आपको भी कुछ ऐसे ही ब्रश का यूज कर लेनी है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तभी आपको अच्छी तरह से पेंटिंग करना आएगा, वरना एक दिन में आपको नहीं सीख पाएंगे कुछ। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए आगे बनाते हैं इसको।
तो गाइस मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ किस तरह से पेंटिंग करनी है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रेड पेंट का यूज़ किया है, बाकी वाइट पेंट का यूज़ किया है। तो फाइनली गाइस हमारा फूल बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें पत्तियों को बनाना है, तो पत्तियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो पेंट और ग्रीन पेंट का यूज़ किया है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कॉर्नर पर मैंने ग्रीन पेंट लिया है, बाकी जगहों पर मैंने येलो पेंट का यूज़ किया है। तो आपको भी कुछ ऐसे यूज करनी है, ठीक। तो गाइस यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहेगा जो ठीक मैंने ऊपर की साइड मैंने जो किया है, वैसे ही इधर भी पेंटिंग करना है। कॉर्नर पर ग्रीन पेंट लेना है और बाकी येलो पेंट का यूज़ करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने जूम करके दिखाया है आपको कैसे आपको पेंटिंग करनी है, तो आप भी कुछ ऐसे पेंटिंग कीजिएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा कैसा मैंने वीडियो बनाया है, उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।